नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको वीएमसी मशीन पे होल डायलिंग कैसे करते हैं। यानी कि किसी भी होल का सेंटर हमको फाइंड करना है या सेंटर ऑफसेट लेना है तो हम होल डायलिंग कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा पूरा डिटेल में। तो बने रहिए इस वीडियो पे एंड तक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस। सबसे पहले वीएमसी मशीन पे होल डायलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको वर्कपीस के ऊपर जो होल है उसके ऊपर मार्किंग करनी होगी। दो निशान आपको एक्स डायरेक्शन में करने होंगे और दो निशान आपको वाई डायरेक्शन में करने होंगे। इससे आपको आसानी होगी होल का सेंटर फाइंड करने में। और अब क्या करिए, आप अपने डायल गेज जो कि आपने वीएमसी मशीन के स्पिंडल पे लगा रखा है उसको स्ट्रेट करिए, मतलब सीधा करिए। डायल गेज के पॉइंटर को सीधा करके चेक करिए। जब आपका डायल गेज का पॉइंटर बिल्कुल स्ट्रेट एक ही पॉइंट पर रोटेट करे, यानी कि जब आप स्पिंडल को घुमाएंगे तो आपका जो पॉइंटर है वो कोई भी सर्कल नहीं बनाएगा, तो समझ लीजिए कि आपका पॉइंटर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। जब पॉइंटर आपका स्ट्रेट लाइन में सेट हो जाए तो अपने डायल गेज के पॉइंटर को एमपीजी या हैंडल की मदद से होल के सेंटर की तरफ लेके आइए। आप अंदाजे से होल के सेंटर पे पॉइंटर को लेके आइए और वहां पर रोटेट करके देखिए। रोटेट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पॉइंटर है वर्कपीस के होल के सेंटर पे है लगभग। अब क्या करिए, होल के जिस हिस्से पर मार्किंग आपने कर रखी है वहां पर पॉइंटर को झुकाइए और पॉइंटर को अपोजिट मार्क की तरफ रोटेट करके देखिए कि गैप कितना आ रहा है। जब आपको लगे कि गैप ज्यादा है दूसरी साइड तो उसकी हाफ डिस्टेंस को आप हैंडल मोड की हेल्प से या एमपीजी की मदद से पॉइंटर को दूसरी साइड शिफ्ट कर दीजिए और फिर चेक करिए कि जो पॉइंटर है वो दोनों साइड में लगभग बराबर सर्कल बना रहा है। इसी तरह से आप वाई डायरेक्शन में करिए। जब वाई डायरेक्शन में भी आपका जो एज है उसके बीच में गैप और दूसरी साइड वाली जो मार्क है उसके बीच में जो गैप है वो लगभग बराबर हो जाए तो समझ लीजिए कि ये एक रेगुलर सर्कल बनाने लगा है। अब क्या करिए, अपने डायल गेज को होल के अंदर डिप करिए। आप पहले भी इसको डिप कर सकते थे बट उस टाइम पे जो डायल गेज है उसके टूटने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, इसलिए जब आपको लगने लगे कि आपका जो पॉइंटर है वो एक सर्कल को बना रहा है उस टाइम पे आप डायल गेज के पॉइंटर को डिप करिए। अब आप क्या करिए, एक निशान की तरफ अपने पॉइंटर को वर्कपीस में टच कराइए और पॉइंटर पे 10 माइक्रोन का प्रेशर आप इस पर अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप 10 माइक्रोन का प्रेशर अप्लाई करेंगे और जो डायल है उसको जीरो सेट कर देंगे। जीरो सेट करने के बाद आप क्या करिए, अपने स्पिंडल को अपोजिट साइड वाले मार्क है उसकी तरफ रोटेट करिए। जैसे ही आप अपोजिट साइड में रोटेट करेंगे तो आपको पहले वाले मार्क और दूसरे वाले मार्क के बीच में जो गैप है उसका अंतर आपको डायल गेज में शो हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर 7 माइक्रोन का गैप शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो पॉइंटर है वो यहां पर 7 माइक्रोन के गैप पर टच कर रहा है। तो अब क्या करना है, आपको डायल गेज को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, अभी आपको हैंडल मोड से मशीन को 7 माइक्रोन वाले गैप को आधा गैप आधा कर देना है, यानी कि 3.5 माइक्रोन का गैप आपको सेट करना है। इसके लिए आपको हैंडल मोड में एमपीजी को रोटेट करना है और 3.5 माइक्रोन पे अपने पॉइंटर को रोकना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 3.5 माइक्रोन के गैप पर रोका है, ठीक है। उसके बाद आपको जो डायल गेज है उसको जीरो सेट कर दीजिए यहाँ पर। जैसे ही आप जीरो सेट करेंगे उसके बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में आपको इसको रोटेट करना है। जब आप अपोजिट डायरेक्शन में दोबारा से रोटेट करेंगे तो आपको 2 या 3 माइक्रोन का अंतर नजर आएगा। अब 2 या 3 माइक्रोन का अगर आपको अंतर नजर आता है तो उसका हाफ फिर दोबारा से आप जो है ट्रेवल कराइए हैंडल मोड की तरफ से। जैसे ही आप ये जो डिस्टेंस है इसको हाफ कर देंगे उसके बाद आपको डायल को फिर दोबारा से यहां पर जीरो कर देना है। जीरो करने के बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में आप चेक करेंगे कि कितना गैप रह गया, तो देख सकते हैं आप अगली बार जो है हमारा गैप बिल्कुल जीरो हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो एक्स एक्सिस का डायलिंग हो गया है, यानी कि एक्स एक्सिस में हमको सेंटर मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे,
वाई एक्सिस में इसको टच करा के देखेंगे। अब हम वाई एक्सिस में जो मार्क है वहां पर अपने डायल को घुमाकर चेक करेंगे कि कितना गैप है। जब आप वाई एक्सिस में देखेंगे तो आपके सामने एक माइक्रोन का गैप जो है मिल रहा है, तो इसका हाफ आप कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद फिर दोबारा से डायल को रोटेट करके देखेंगे कि कितना गैप है, तो आपको जो है सेंटर मिल जाएगा। और फिर आप अपने डायल को रोटेट करके देख लीजिए, आपका पॉइंटर जीरो पर ही रहेगा, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो सेंटर है वो आपको मिल चुका है। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बट इसको बहुत ही एक्यूरेसी के साथ करना होगा। आपको दो या तीन बार की प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपके सामने ये डायलिंग कंप्लीट हो जाएगा। जिनको ये प्रोसेस समझ में नहीं आया वो ये वीडियो दोबारा से देख सकते हैं एक बार फिर से, तो ये क्लियर हो जाएगा।